हेलो गाइस, दिस इज आत्म प्रकाश फ्रॉम एपी दटेगसा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब के कुछ नए फीचर्स की जो हाल ही में अभी अपडेट के थ्रू आ गए हैं। और यूट्यूब के साथ साथ गूगल के कुछ और भी ऐप्स हैं जो फीचर्स से भरे हुए हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपी दटेगसा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज करें और इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही होंगे मैं Xiaomi का फ़ोन यूज़ करता हूं, और आपको मैं अपना एंड्रॉयड वर्जन दिखा देता हूं कि मेरा एंड्रॉयड वर्जन क्या है, क्योंकि आप जानते ही होंगे MIUI 10 पे काम चल रहा है, इस वजह से मेरे फ़ोन में कोई अपडेट नहीं आया है। ये अपडेट डायरेक्ट प्ले स्टोर से आया है, तो आप जाके प्ले स्टोर में भी देख सकते हैं कि ये अपडेट यूट्यूब की तरफ से प्ले स्टोर से आया है। तो जैसे ही मैंने सर्च करा YouTube अपने प्ले स्टोर में, तो आप देख सकते हैं वर्ड्स न्यू में कुछ नई चीज़ें लिखी हुई हैं, और आप इसकी अपडेट की टाइम भी देख सकते हैं कि किस डेट को ये अपडेट आया है। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि ये अपडेट हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि हमारे अपडेट में क्या कुछ नया आया है। सबसे पहले आप अपनी इसे आईडी से साइन इन करेंगे, तो आप देख सकते हैं बिना साइन इन करे कोई भी ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले आप अपनी यूट्यूब को साइन इन कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी से। तो मैं अपनी साइन इन कर लेता हूँ कोई भी एक ईमेल आईडी से। सो साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं अब मैं अपने आईडी पर जाता हूं, और आप देख सकते हैं यहां पे पेड मेंबरशिप का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। तो इस पेड मेंबरशिप पर मैं क्लिक करता हूं और अंदर बिल्कुल ही ब्लैंक नज़र आता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ नया है तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। सेकेंड है टर्न इन कमेंट्स। जैसे कि आप ब्राउज़र में देखते होंगे कि आपका एक सीक्रेट ब्राउज़र ओपन हो जाता है, उसी तरह आपके यूट्यूब में भी एक सीक्रेट यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इस यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। सो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा परमिशन आएगा जिसमें आपको लाइक डिसलाइक के बारे में कुछ बताना होगा। तो अभी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो इसे मैं नेवर अबव द पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद अपना सीक्रेट ब्राउजर चलाने के लिए आप बिल्कुल ही रेडी हो। इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो और आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ सर्च करता हूँ एपी दटेगसा और इस चैनल को मैं सब्सक्राइब करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपके सामने टर्न ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही इसे मैं टर्न ऑफ करूँगा तो मेरी जो पहली वाली आईडी होगी, रिसेंटली आईडी जो होगी, वो ओपन हो जाएगी और उससे मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था गूगल के कुछ अपडेट्स आए हैं, तो हम चलते हैं अपने गूगल में और देखते हैं क्या कुछ अपडेट आए हैं गूगल के। तो इस गूगल में कोई अपडेट नहीं आया, बट इसे अपडेट करने के बाद हमारा जो गूगल असिस्टेंस है वो बहुत ही बदल चुका है। ज़्यादा बदला नहीं है, बस दो नए आइकन्स आ चुके हैं। तो जैसे ही मैं अपने गूगल असिस्टेंस को एक्टिवेट करता हूं, तो आप देख सकते हैं ऊपर राइट कॉर्नर में दो आइकन्स आ चुके हैं। सिंपली ये दो आइकन एक नेविगेशन का है और एक कंपास का है। एंड इन फ्यूचर गूगल असिस्टेंस में गूगल लेंस का फीचर भी मिल सकता है, ऐसा गूगल ने कहा है। तो इंतज़ार करते हैं उस अपडेट का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट वो प्ले स्टोर में है। बेसिकली प्ले स्टोर में कोई भी न्यू फीचर देखने को नहीं मिलता है, बस इसमें छोटे से अपडेट आ चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर को अपडेट नहीं किया तो जल्दी से अपडेट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।